साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपर हिट फिल्म कंचना की हिंदी रिमेक बनाने जा रहे लक्ष्मी बम, जिसका नाम बदलकर अब सिर्फ लक्ष्मी रख दिया गया है। ये फिल्म हमें जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें अक्षय और कियारा आडवाणी अपने नए लुक के साथ नजर आएंगे, जिसका फर्स्ट सॉन्ग बुजुर्ग खलीफा दर्शकों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन अब इसी बीच हमें फिल्म लक्ष्मी का एक और एंटरटेनिंग और पार्टी सॉन्ग सुनने को मिलने वाला है, जिसका नाम होने वाला है दीस रानी रानी, वो भी एक नए वर्जन के साथ। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको लक्ष्मी के इसी अपकमिंग गाने के बारे में बताने वाले हैं कि कैसा होगा गाना, हमें इस गाने में कौन कौन से कलाकार थिरकते हुए नजर आएंगे और ये गाना कब तक आएगा। अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही लक्ष्मी मूवी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूले। साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कंचना फेल, राघव लॉरेंस जल्द ही इस फिल्म के हिंदी वर्जन और रीमेक लक्ष्मी के साथ दर्शकों का खूब दिल जीतने वाली है, जिसमें हमें अभिनेता अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी के साथ साथ शरद केलकर और मुस्कान खूब चंदानी भी अभिनय करते हुए दिखाई देंगे। बता दें कि इस फिल्म को जल्द ही दिवाली के शुभ अवसर पर 9 नवंबर 2020 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है। हालांकि इस फिल्म की रिलीजिंग डेट काफी नजदीक आ चुकी है और इस फिल्म का पहला सॉन्ग बुर्ज खलीफा भी रिलीज किया जा चुका है। इस सॉन्ग को दर्शकों का जमकर प्यार मिल रहा है, और अब बुर्ज खलीफा जैसे एंटरटेनिंग सॉन्ग के बाद फिल्म लक्ष्मी का एक और अपकमिंग पार्टी सॉन्ग दीस रानी रानी दर्शकों की एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए नजर आ रहा है, जो कि साल 2005 में आई फिल्म इंसान के सॉन्ग दीस रानी रानी का नया वर्जन होने वाला है। जहां उस वक्त इस गाने को सुपरस्टार सुनिधि चौहान ने अपनी रूहानी आवाज से नवाजा था, और अभिनेता अक्षय कुमार और तुषार कपूर के साथ साथ ईशा द्विवेदी इस गाने में थिरकते हुए नजर आए थे, तो वहीं अब एक बार फिर खिलाड़ी कुमार इस गाने के नए वर्जन के साथ धमाल मचाने वाले हैं, जिनके साथ अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भी जबरदस्त डांस मूव्स करते हुए देखा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस गाने को नई हाई बीट्स और लिरिक्स के साथ रिक्रिएट किया जाएगा, और सॉन्ग्स में कोई नई तरह की एडिटिंग भी की जाएगी। खबरें हैं कि पिछली बार की तरह इस बार भी हमें इस गाने में सुनिधि चौहान की ही रूहानी आवाज सुनने को मिलने वाली है, लेकिन इस फिल्म में हमें किस सिंगर की वॉइस सुनाई देगी, इस बात की अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है और ना ही इस गाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है। पर इस गाने की चर्चाओं ने दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, क्या आप इस फिल्म में अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी के इस एंटरटेनिंग सॉन्ग को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।